हेलो दोस्तों, शादीशुदा महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत बहुत खास होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान इस व्रत को रखने से एसिडिटी, थकान, कमजोरी, सिर में दर्द की समस्या हो सकती है और आपके पेट में पल रहे शिशु पर इसका असर पड़ सकता है। लेकिन घबराएं नहीं, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रेगनेंसी में करवा चौथ का व्रत रखने के कुछ टिप्स दे रही हूँ। हर एक प्रेग्नेंट महिला जो इस व्रत को रखे हैं वो इसका पालन करें, आप खुद देखेंगे समस्याओं से आपको निदान मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप प्रेगनेंसी में भी करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो सबसे पहले आप अपनी शारीरिक स्थिति के बारे में जानिए, उसके बाद ही आप डिसाइड करें। अगर आप पूरी तरह से फिट हैं तो करवा चौथ का व्रत कर सकती हैं। व्रत के दौरान कोई परेशानी ज़्यादा नहीं होगी और शारीरिक रूप से अगर आप कमज़ोर हैं तो व्रत आप नहीं रखें, आप मुश्किल में आ जाएंगे। लेकिन क्या करें जिससे परेशानी नहीं हो और व्रत भी अच्छे से पूरा हो जाए। करवा चौथ के दिन आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। अगर आप सुबह सर्गी में अच्छी तरह से भोजन कर लेती हैं ताकि आपको दिन भर ऊर्जा मिलती रहे, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है, नमक और मीठे फल नहीं खाएं, ये प्यास को बढ़ाते हैं। तो ज़्यादा मीठा फल खाएंगी तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा और कोई नमकीन चीज़ भी खाएंगी तो भी आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो सुबह आपको ऐसी चीज़ों को खाना है जिससे आपके शरीर में पानी की कमी पूरा हो जाए और दिन भर आपका आराम से निकल जाए। करवा चौथ के दिन आपको समय के साथ सो जाना चाहिए, इससे आपके शरीर में थकान नहीं होगी और प्यास भी नहीं लगेगी। आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें जिससे आपका शरीर थक जाए। आप धूप में भी नहीं जाएं और ऐसी जगहों पे ना बैठें जहाँ पे गर्मी ज़्यादा लग रही हो। आप सो सकती हैं, सोने से आपका दिन आराम से कट जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको आराम करना है, इससे आपको प्यास नहीं लगेगी और थकान भी नहीं होगा। टेंशन नहीं लेना है किसी बात का, अगर आप टेंशन लेंगी तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। दोस्तों, करवा चौथ व्रत के नियमों के अनुसार चांद निकलने तक कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। ऐसे में रात्रि के 9 बज जाते हैं, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं, व्रत रख रहे हैं तो पूजा करके और कहानी सुनकर आप चाहें तो कुछ खा पी सकते हैं। खाली पेट होने के कारण व्रत के दौरान आपको सिर में दर्द, एसिडिटी, उल्टी जैसी समस्या हो सकती है। ऐसे में आप घबराएं नहीं, जितना हो सके आराम करें, इससे आपके शरीर को थकावट नहीं होगी और आराम मिलेगा और आप व्रत को अच्छे से कर पाएंगी। रात को व्रत खोलते समय सादा पानी पीने के बजाय नारियल पानी पिएं और एक साथ ज़्यादा पानी पीने के बजाय रुक रुक कर पिएं। खाना एकदम से ज़्यादा नहीं खाएं, रुक रुक कर खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं। दोस्तों, भावनाओं में न बहें। व्रत हो सकता है हम अगले साल रख लें पर कोई नुकसान हो जाए, गर्भ के लिए ठीक नहीं है। मैं तो यही कहूँगी, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार ही व्रत करें। यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताएं। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।